बड़वानी जिले के बालसमुंद में गोवंश को छुपाकर ले जा रहे कंटेनर को पुलिस ने जब्त किया, जिसके अंदर से 50 से अधिक गोवंश पुलिस ने मुक्त कराए और ओझर गौशाला में छोड़ा गया। कंटेनर क्रमांक UP21BN4905 मंदसौर से धुलिया की ओर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर नांगलवाड़ी थाना प्रभारी ने संयुक्त पुलिस चौकी ओझर और बालसमुंद की टीम ने वाहन का पीछा किया। RTO बैरियर के समीप ट्रक को रोककर ट्रक में सवार दो आरोपी रजाक पिता अजीत और रहीम पिता सब्बीर को गिरफ्तार किया। कंटेनर से लगभग 50 गोवंश निकले, जिन्हें ओझर गौशाला में छोड़ा गया। वाहन चालक ने बताया कि कंटेनर को RTO बैरियर के पास कराने के लिए सोहन उर्फ जोजो भी इस तस्करी में शामिल है, जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठिकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आज बालसमुंद चौकी से सूचना मिली कि कंटेनर नंबर UP21BN4905 में पशु की तस्करी की जा रही है और दुलिया तरफ जा रहा है। बल के साथ प्रधान रक्षक रोहित के साथ संजय शर्मा विकास के साथ रवाना होकर कंटेनर का पीछा कर शादी कला के बाद पकड़ा। उसमें बेटे दो लोगों को नाम बता पूछा तो रजाक निवासी बोतलगंज, रहीम निवासी बोतलगंज बताया। उनसे पूछताछ कर आगे लड़का खड़ा था, उससे वो पशुओं की तस्करी कर रहा था, उसको पकड़ा। उससे पूछताछ करके उसने अपना नाम सोहन उर्फ जोजो निवासी चंदा बताया। वाहन पकड़ कर चौकी पे लाए, पशुओं को उतारा जा रहा है। कितने गोवंश थे सर? लगभग चल रही है कार्रवाई, लगभग 60 से 70 पशु। गाड़ी कहाँ से पकड़ी? गाड़ी चाली कला।